Hello students, this video lecture is on C programming language for diploma second sem CSE students by Neelam Sharma, CSE department. Today's topic is switch case break statement. इसके पिछले वाले टॉपिक में हमने else if ladder पढ़ा था, nested if else पढ़ा था, उसी का ये पार्ट है switch case break statement. इसको मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी कहते हैं. इसको मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम होटलों में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, वहाँ पे हमको मेनू मिलता है तो उस मेनू पे 1 नंबर 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, ऐसा लिखा रहता है. तो आप जब चॉइस बताते हैं कि हमको 3 नंबर वाला खाना चाहिए, तो वैसे यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग होती है. और स्विच के अंदर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, आपकी चॉइस लिखते हैं, उसके बाद जो भी चॉइस आपने आउटपुट पर एंटर करी होगी वो केस वो रन करता है. जैसे कि यहाँ पे हम प्रोग्राम में अच्छे से समझेंगे, अभी पहले सिंटैक्स समझ लेते हैं. जैसे कि केस वैल्यू 1, तो के अगर आपने यहाँ पे 1 एंटर किया है तो वो केस 1 को रन करेगा. अगर आपने यहाँ पे 2 एंटर किया है, अपनी चॉइस 2 दी है, तो वो केस 2 को रन करेगा. और अगर आपने जितने केसेस लिखे हैं उसने आउट ऑफ, जैसे आपने 10 केसेस लिखे हैं पर आपने आउटपुट 11 का दे दिया है, इनपुट सॉरी 11 का दे दिया है, तो वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में जाता है. अब स्विच के अंदर लिखते हैं हम आपकी चॉइस, जो भी आपको चॉइस नंबर डालना रहता है. उसके बाद यहाँ लिखने का तरीका ये है कि केस 1 यहाँ पे कोलोन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद ब्रेक, हर केस वैल्यू के बाद ब्रेक. ये ब्रेक करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो इस केस वैल्यू से बाहर निकल सके, वरना वो सोचेगा कि इसी केस वैल्यू में मुझे बाकी की चीज़ें भी रन करनी है. इसलिए हर बार केस वैल्यू के बाद हमको ब्रेक लिखना ही पड़ता है. और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में भी सेम चीज़ है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में भी कोलोन लगेगा और ब्रेक के डिफ़ॉल्ट के बाद ही ब्रेक लगेगा. इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. कुछ कंडीशंस हैं, पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी इंटीजर टाइप. स्विच के अंदर जो भी एक्सप्रेशन रहता है वो इंटीजर वैल्यू रहना चाहिए, डेसिमल वैल्यू नहीं रहना चाहिए. केस लेबल्स मस्ट बी यूनिक, नो टू लेबल्स हैव द सेम वैल्यू. मतलब अगर आपने एक बार केस 1 ले लिया है तो दोबारा केस 1 नहीं लिख सकते. केस 1 के बाद केस 2, 3, 4 आएगा, दो केस की वैल्यू सेम नहीं हो सकती. द डिफ़ॉल्ट में भी प्लेस्ड एनी वेयर बट यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड. डिफ़ॉल्ट जो है वो कहीं भी प्लेस्ड हो सकता है, लेकिन हमको उसको एंड में ही रखना, कोई दिक्कत नहीं है. इट इज़ परमिटेड टू नेस्ट स्विच स्टेटमेंट्स. एक से ज़्यादा बार हम स्विच स्टेटमेंट लिख सकते हैं. इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. हैश इंक्लूड हेडर फाइल्स वर्डमेंट एंड चॉइस. उसके बाद हमने उस चॉइस को यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटर द वैल्यू ऑफ चॉइस. उसके बाद चॉइस को रीड करवा लिया है ताकि उसमें हम वैल्यू इनपुट कर सकें. अब देखिए यहाँ स्विच के अंदर लिखा हुआ है चॉइस, जो भी आप वैल्यू चॉइस में इनपुट करेंगे वो स्विच में पास होगी. अगर आप 1 इनपुट करते हैं तो वो केस 1 में जाएगा, अगर आप 2 इनपुट करते हैं तो केस 2 में जाएगा. हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है कि अगर आप चॉइस की वैल्यू 1 देते हैं तो वो प्रिंट करेगा संडे, अगर आप चॉइस की वैल्यू 2 कर देते हैं तो वो प्रिंट करेगा मंडे, अगर 3 करते हैं तो ट्यूसडे एंड सो ऑन, और अगर 7 देते हैं तो प्रिंट करेगा सैटरडे. और अगर 1 to 7 से आउट ऑफ द वैल्यू देते हैं तो यहाँ पे लिखेगा नॉट वर्किंग डे. ठीक है, और हर के बाद ब्रेक लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, केस नंबर और उसके बाद कोलोन. इसके सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आउटपुट देख लेते हैं. एंटर द वैल्यू ऑफ चॉइस, हमने यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 में हमारा क्या प्रिंट होना था, मंडे. अब यहाँ पे हम लोग एक और बार आउटपुट ले रहे हैं. एंटर द वैल्यू ऑफ चॉइस, हमने यहाँ पे 10 लिखा है, हमने यहाँ पे आउटपुट दिया था 1 to 7 तक. अगर इसके बाहर की कोई भी वैल्यू देंगे तो वो क्या प्रिंट करेगा, नॉट वर्किंग डे. इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे.